जी ये सिंबल फार का तेल बनाने जा रहे हैं। ये जी सिंबल फार सफेद है बलोरी, सिंबल फार सफेद बलोरी। वजन कितना है? ये 5 तोला। 5 तोला। हमने इसको पीसा भी नहीं है, ये डलिया बीच में डाल, पीसने की जरूरत भी नहीं। तो इसके साथ हमने 5 तोला ये है जी मीठा सोडा, हमने ये डाल दिया था 5 तोला मीठा सोडा इसके अंदर ही डाल दिया है। ठीक हो गया जी। अब 2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करें जी। अब इसके अंदर 2 किलो पानी इसको चूल्हे जो है डाला जाएगा और फिर इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया जाएगा। बस इतना ही टाइम, जब पानी खुश्क होने के करीब होगा तो ये सिंबल फार तेल हो जाएगा। ये तेल उतारे शीशी में डाले करूंगा 2 घंटे में तैयार। और ये आग पर भी तेल रहेगा और उतार कर नीचे रखेंगे तब भी तेल रहेगा। ये कैमल नार सिंबल फार का तेल होगा। ये पानी डाला जा रहा है, सुई का नक्का लगा के ना तेल में मक्खन के साथ खिलाएं, दूध पिलाएं और फिर देखें कि शुगर जाती है और कुव्वत बाब हाल होती है कि नहीं होती है। साबी पट्ठों की कमजोरी खत्म करता है, एंडोस्पर्मिया पे काम करता है, दर्दों पे काम करता है, ये तो 18 मर्जों पे काम दे रहा है। ये वो तेल है देखें 2 घंटे में। और ये डाल दिया हमने, कोई हमने इसमें पीस के लिए डाला, डलियाँ डाली हैं, आपको तेल ही मिलेगा। ये पड़ियाँ डलियाँ के खाने लगता 2 लीटर। ये दूसरी बोतल डाल रहे हैं, 2 लीटर पानी डाल रहे हैं। ये पानी खुश्क होगा तो ये तेल हो जाएगा, बल्कि पानी खुश्क होने से पहले ही तेल हो जाएगा। पानी डाल दें। अब इसको सिलेंडर पर रख के रखें, इसे पकने रख दें और इसको पकने के लिए रख देंगे। कितना देर वाले को पकाना? ये सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, तेल हो जाना। पानी खुश्क करना है तो तेल तैयार है, खुश्क कर देना तेल तैयार हो। ठीक है, काम शुरू कर दिया। और कितने शॉर्टकट काम है हमारे देख लें आप, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई मेरे नुस्खा जा रही है। खूबी है कि मैं आपको जंगलों में नहीं भेजता कि कहीं ढूंढ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि फलां जर्मन का केमिकल ढूंढ के लाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप खाने चीजें ढूंढ के लाओ। दीवार के साथ कुछ दबा कर इधर, इसमें कोई असर नहीं, वो चल गया। हां हां वो चल गया, आप चाहेंगे तो दबा लेंगे। इससे बड़ी कौन सी एक चीज होती जो संसार की दवाइयों से काम ले रहे हैं? चटपट चीजें बना के चलना था, चल गया। गरम तो है, कम गरम हुआ ना, ये गरम तो है लेकिन कम हुआ है। चूना जो है ना वो नाकस है हर। देखते हैं अब जब